है एलविश, आप देख रहे थे बिग बॉस OTT या कुछ, अगर आपने कुछ क्लिप्स देखे हैं सोशल मीडिया में? मैं यार इतना फॉलो नहीं कर रहा था, पर एलविश का तो मैं एक बोलूंगा सिस्टम हैंक, मतलब सिस्टम तो हिला देगा भाई। तो आपको ये गेम पसंद है कि क्योंकि वो वाइल्ड कार्ड एंट्री थी और हिस्ट्री क्रिएट किया विनिंग की, लोग कह रहे थे कि वाइल्ड कार्ड मतलब वही एक वाइल्ड कार्ड आके बिग बॉस जीत के चला। बिग बॉस इज लाइक नेक्स्ट लेवल शो, मतलब रियलिटी शो में टॉप पे आता है इंडिया में, और वो जीतना एज अ वाइल्ड कार्ड, सैल्यूट है बॉस। ओके, कई सारे लोग कह रहे कि अभिषेक जीतना चाहिए था, मनीषा जीतनी चाहिए थी जो कंटेस्टेंट है। आप कैसे देखते हैं, मनीषा को नहीं जीतना चाहिए क्या? आप कैसे देखते जो मतलब स्टार्टिंग से जो वर्क हार्ड करता है और बाद में कोई वाइल्ड कार्ड एंट्री करता है एंड बिकॉज ऑफ हिज फैन फॉलोइंग तो वो जीत जाता है? फॉलोअर इम्पोर्टेंट है या घर में काम करना, उस पर कई सारे डाउट्स हो रहे हैं पिछले दो सीजन से। सी, इस चीज़ में ना हर एस्पेक्ट मैटर करता है, तुम्हारा कैसे तुम गेम प्ले कर रहे हो, तुम कितना फेयर हो खुद से दूसरे के साथ। तो चलो वो एक गेम स्ट्रैटेजी पर मैं बोलूँगा, जिसकी स्ट्रैटेजी के अलग हो, खुद से कितना ऑनेस्ट है बंदा, फैन फॉलोइंग नेक्स्ट लेवल वो भी एक अलग चीज़ है। तो इन सब का मिलजुल के सब होता है। आई एम नॉट सेइंग कि मतलब जो नहीं जीत पाए वो बुरे लोग वगैरह, सब ने बहुत अच्छा प्ले किया, बट एट द एंड क्या कर सकते हैं कि बंदा जीतेगा। आपके कौन फेवरेट थे? एल्विश यार, एल्विश। ओके, और कभी आप बिग बॉस करना पसंद करेंगे फ्यूचर में? अभी तो ये शो कर रहे हैं, फ्यूचर में देखेंगे, फ्यूचर किसने देखा है, बट जरूर अगर आएगा तो ट्राई करेंगे जरूर ये भी कॉन्सेप्ट। वन लास्टली मैसेज टू योर फैमिली।